मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरे कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशी शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। भारत की आजादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्रों तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे, लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़े लगातार गहरी और मजबूत होती गई। एक राष्ट्र के लिए विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर एक कालखंड एक जीवन यात्रा जैसा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आजादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने भाग्य विधाता बने। इस दौर में हमने जो कुछ सीखा है वो सब उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्ष की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह साकार कर लेंगे। इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के बीजों को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर है। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपनी संभावनाओं को साकार कर चुका होगा। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी मातृभूमि का दिया हुआ है, इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे अस्तित्व की सार्थकता एक महान भारत के निर्माण में ही दिखाई देगी। कन्नड़ा भाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध करने वाले महान राष्ट्रवादी कवि कुवेंपु ने कहा है, नानु अड़िए नीनु अड़िए नम्मा एलु बिगोल मेले मूड़ बुदु नव भारत दलीले, अर्थात मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहेंगे तुम, परंतु हमारी अस्थियों पर उदित होगी नई भारत की महागाथा। उस राष्ट्रवादी कवि का स्पष्ट आह्वान है कि मातृभूमि तथा देशवासियों के उत्थान के लिए सर्वस्व बलिदान करना हमारे आदर्श होना चाहिए। इन आदर्शों को अपनाने के लिए मैं अपने देश के युवाओं से विशेष अनुरोध करती हूँ। वे युवा ही 2047 के भारत का निर्माण करेंगे।